तो दोस्तों, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आई थी, और लेकिन अब बारिश यहाँ पर कम हो चुकी है। तल्हा अभी यहाँ पर मुर्गियों को दाना पानी डालने में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, अभी हमने मास्टर केज के बर्ड्स को दाना पानी डालना है, तो चलिए उसको डालते हैं। दोस्तों, हमने ये कंगनी निकाल दिए जो फिंचेस ने ख़राब कर दी थी, तो डेली हम इनको नई डालते हैं कंगनी, तो मैं चेंज करके मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने फिंचेस की कंगनी तब्दील कर दी है, अब इनकी बारी आती है हमारे कुमरों की। अभी मैं इनकी बाजरी तब्दील कर रहा हूँ। दोस्तों, अब मैंने कुमड़ों का भी दाना तब्दील कर दिया है। अब बारी आती है हमारे चिक्स की। तो दोस्तों, तल्हा ने इन सब बर्ड्स को दाना डाल दिया है, और अभी बारी आती है पानी की। हाँ यार, वो भी हमने कब से देखा नहीं है, तो उसे भी चेक करते हैं आज। तो गाइस, कब से हमने वो भी चेक नहीं किया इनका नेस्ट, तो अब हम वो भी चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी हम उनका नेस्ट चेक करते हैं, उन्होंने कहाँ तक बनाया है फिंचेस ने हमारे। तो इन लोगों ने काफ़ी हद तक बना तो लिया है, लेकिन अभी भी इनको टाइम लगेगा। दोस्तों, अभी हमने यहाँ का सब को दाना पानी डाल दिया है, और अभी हम जाने वाले हैं मिनी हाउस। यहाँ पर क्या हो गया है, ये यहाँ पर बहुत टेढ़ी हो चुकी है। अब जैसा कि देख सकते हैं, ये पहले यहाँ पर यूं हवा करती थी, और बारिश की वजह से दोस्तों ये गिर चुकी है। हम जाने वाले हैं मिनी हाउस के सेटअप। सील फैमिली का एक और अंडा आ चुका है, तो अभी हम इसे उठा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने उठा लिया, काफ़ी छोटा सा है। कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जैसे मिनी हाउस का टेंट है, ये हमने कल लगाया था, और ये इतनी बार गिर चुका है ना, अब हम इसे तंग आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमारी मिनी हाउस की मुर्गियाँ बहुत भूखी हैं, इसीलिए हम उनको अब दाना डाल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा भूखी हैं, और अभी ये खाने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, हमारी मिनी हाउस की मुर्गियों ने यहाँ पर 5 अंडे दे दिए हैं। ये देखें दोस्तों, ये हैं उनके अंडे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये वाला मुर्गा अलग कर लिया है। वो दूसरे वाला मुर्गा ना दोस्तों, इसे बहुत बड़ा था, और इसे बहुत ज्यादा मारता था। तो ये देखें दोस्तों, आप ये वाला मुर्गा काफ़ी स्पेशल मुर्गा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।